तो क्या हाल है सब लोग का। पिछले वीडियो में हमने जो गेम ट्राई किया था उसका नाम था हॉट शॉट रेसिंग। वो एक इंडी गेम था और फिर मतलब इंडी गेम्स मुझे थोड़े बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि एक टाइप का कल्चर वो प्रिजर्व करते हैं, एक टाइप का गेमिंग एक्सपीरियंस है जो आजकल के ट्रिपल ए टाइटल्स में इतना नहीं मिलता। चाहे गेम कितने बड़े हो, चाहे गेम कितने भी छोटे हो, अगर गेम में खेलने में मज़ा आ रहा है तो फिर वो अच्छे होंगे। और फिर उसी टाइप की गेम्स का एक एग्जाम्पल है शवल नाइट। तो शवल नाइट जैसे कि हम अपने पुराने वीडियो गेम्स में जिस टाइप के गेम खेलते थे, जैसे सुपर मारियो ब्रोस और फिर स्नो ब्रोस और इस टाइप के जो बहुत सारे थे गेम, एडवेंचर आइलैंड, तो उन सब टाइप के जिस टाइप में उनमें एनिमेशन थी, जिस टाइप से उनकी स्क्रीन चेंज होती थी, जिस टाइप का उनमें फील आता था, बिल्कुल सेम फील शवल नाइट में आता है। तो शवल नाइट थोड़ा सा पुराना मतलब तो हो गया है, अभी 2021 चल रहा है तो उसके हिसाब से तो थोड़ा बहुत पुराना है ही, मगर तो भी ये अभी भी होल्ड अप करता है क्योंकि ये मतलब एक नॉस्टैल्जिया वाली बहुत अच्छी चीज़ लेके रहता आता है। और फिर बहुत अच्छे से मतलब ऐसा नहीं है ये कि कुछ बहुत बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, मगर जो ये बनने की कोशिश कर रहा है वो बहुत अच्छे से करता है बिल्कुल। और फिर तो फिर आज हम फिर यही गेम खेलेंगे शवल नाइट। तो कैसा कि तो ये हमने हमारा बना लिया है प्रोफाइल और फिर ये ऊपर जो 1 2 3 4 लग रहा है ये मुझे लगता है कि ये शायद सेफ स्लॉट से। तो अब ये बात आती है कि मैंने ये खेला है या नहीं। तो मैंने ये बिल्कुल खेला है, मैंने इसके 1-2 लेवल्स भी पार किए हैं। तो फिर मुझे मतलब ये गेम पसंद आया तो मुझे लगा कि ये सब लोग को देखना चाहिए। खैर ये गेम का साइज़ अगर हम देखें तो फिर ये गेम का साइज़ है करीब 352 MB का है। मतलब 352 MB दोनों गेम और उसको मिला के सेटअप को मिला के, तो मतलब एक इतना छोटा गेम और फिर तो बढ़िया ही है। मतलब इतने में इतने छोटे से पैकेज में इतना बड़ा। तो स्टोरी के हिसाब से इसे मतलब हम देख रहे हैं कि स्टोरी बिल्कुल कैसे दिखा रहे हैं, जैसे कि कोई 70s 80s का कोई वीडियो गेम खेल रहे हो बिल्कुल वैसे ही। और फिर मतलब एक आर्ट स्टाइल है जो बिल्कुल अनमैच्ड है। तो फिर हमारा शवल नाइट है और शील्ड नाइट है जो दोनों हीरो हीरोज थे, मगर किसी वजह से शील्ड नाइट चली गई तो शवल नाइट पॉलिटिक चला गया, उसने फार्मिंग शुरू कर दी, मगर शील्ड अपनी शील्ड और आर्मर तो उठा है। तो ये लगता है ये हमारे सारे विलन्स हैं। विदाउट चैम्पियंस द लैंड वाज सीज्ड बाय अ वाइल्ड पावर द एन्चेंटर्स इन अ ऑर्डर ऑफ नो क्वार्टर। थोड़ी राइम बनाने की कोशिश की मैंने, अच्छी बात है। तो ये है हमारी जर्नी, ये है हमारा मिशन, मतलब बढ़िया सा एडवेंचर शुरू होने वाला है। अ न्यू एडवेंचर इज अबाउट टू बिगिन। तो फिर अब यहाँ से हमारा गेम एक्चुअली होता है शुरू। और फिर ये हमारा शवल नाइट। तो हम देख रहे हैं कि इसका आर्ट स्टाइल मतलब जो नीचे जो दिख रहा है जो ग्रास है और फिर लैंड है, वो बिल्कुल मुझे तो ऐसा फील आ रहा है कि मैं कोई बचपन का अपना गेम खेल रहा हूँ, शायद ऐसे ही कहीं बैठा बैठा हुआ हूँ और वीडियो गेम खेल रहा हूँ। तो फिर वो बिल्कुल सिंपल सा गेम है, स्पेस से हो रहा है जंप और फिर WASD से आगे पीछे ऊपर नीचे और वैसा ही। तो हर एक गेम में हमें ये समझने की बहुत सारी ज़रूरत कि इसमें एनिमी स्पॉन कैसे हो रहा है। अब इसमें कैसे हो रहा है कि अब जैसे हमने हॉलो नाइट खेला था, तो हॉलो नाइट में क्या हो रहा था कि जैसे गेम अलग अलग सेक्शंस में था डिवाइडेड, हम देख रहे थे कि अलग अलग रूम्स थे, जैसे फॉरगॉटन क्रॉसरोड्स में अलग अलग थे रूम्स। और फिर हम जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आते थे तो फिर जो भी छोटे वाले थे क्रिएचर्स वो सब फिर से हो रहे थे स्पॉन। तो इधर भी बिल्कुल वैसा ही लगता है मुझे कि अगर हम ऑफ स्क्रीन होते हैं तो ऑफ स्क्रीन उस जगह पे जो जो होनी चाहिए वो फिर से स्पॉन होता है। जैसे कि अगर मैं अगर फिर से जाऊँ तो फिर यहाँ एक और ही आ जाएगा। तो एक गेम अगर हम खेल रहे हैं तो फिर ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक एज मिलता है, एक आगे चल के थोड़ी सहूलियत मिलती है समझने की कि अगर मैं अगर यहाँ जाऊँगा तो क्या मुझे वो वाला क्रिएचर फिर से उससे लड़ना पड़ेगा क्या। और फिर इसमें भी ऐसा हो रहा है, एक अच्छी बात है। नाउ एक और इसमें बहुत अच्छा मैकेनिक ये है कि मैं एस दबा के अगर मैं जंप करता हूँ तो फिर ये अपनी जो अपना शवल है वो नीचे क्या कर लेता है।
को, और उसकी मदद से हम जंप कर सकते हैं, उसकी मदद से हम एनिमीज को मार सकते हैं। और ये है चेक पॉइंट। तो और फिर W दबा के सीडी से ऊपर नीचे एस डब्ल्यू एस से और फिर स्पेस से हम डी कैच हो सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ तुम लोग से, क्या पहले इसी वीडियो से क्या मतलब मेरा स्टैमरिंग तुम लोग को ऐसा लगता है कि कम हुआ है? क्योंकि मतलब मैं हर बार को ऐसा करता हूँ कि यार अपने वीडियो सुनता हूँ तो मुझे खुद ही कभी कभी लगता है कि यार ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है वगैरह। तो तुमको अगर ऐसा लगता हो कि मेरी स्टैमरिंग कम हुई है तो तुम मेरे को बता सकते हो भाई, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं क्योंकि कोशिश करता हूँ तो अपनी स्टैमरिंग करने का कम। तो फिर ये बढ़िया है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और अगर मैं पहली बार अगर ये करता तो शायद मैं थोड़ा टाइम लेता, मगर मैंने क्योंकि ये कर चुका है और फिर अरे बाप रे, जब भी ये प्रूफ करने वाली आती है बारी कि मैं खेल सकता हूँ तो मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि पूरा प्रूफ हट जाता है। मुझे लगा वो कल के अंदर कुछ मिलेगा पर डिसअपॉइंटमेंट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा एक बार हम याद है हम एनिमे की बात कर रहे थे, तो मैं तुम लोग से पूछ रहा कौन से तुम लोग का एनिमे पसंद है। तो वैसे बहुत अच्छे वाले तो अभी तो एक बढ़िया वो चल रहा है अटैक ऑन टाइटन, वो मुझे अच्छा लगता है, वो सही है। मतलब एक क्या मुझे ऐसा लगता है कि अटैक ऑन टाइटन इतना अच्छा क्यों है, तो उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे ये है कि वो जब गेम जब शुरू हुआ था और गेम था वगैरह जब वो एनिमे जब शुरू हुआ था तो मतलब क्या था कि वो जब वो शुरू हुआ था तो उसकी स्टोरी में एक था लेवल, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ते गया एक स्टोरी का लेवल और अच्छा होता गया और अच्छा होता गया। तो ये आजकल ज़्यादा एनिमे में रिफ्लेक्शन नहीं मिलता, पर वो बहुत अच्छा है। जैसे कि हम देखते हैं कि अच्छा तो ठीक है, मुझे स्पॉइलर में ही देने तो खैर अगर तुमने देखा नहीं है तो देखो यार, और अगर देखा है तो बहुत ही अच्छा है, तुमको पता है, और मैं चाहता हूँ तुम भी देखो। पर अगर जिनने देखा है तो प्लीज़ अगर तुम कमेंट सेक्शन में उसके बारे में कोई लिखते हो तो जो दूसरों के लिए स्पॉइल मत करना यार, क्या पता कोई ऐसा बंदा हो जिसने देखा ना हो, देखने की इच्छा रखता हो तो मेरे चैनल से कभी क्षति नहीं आएगा। और तो फिर अब हम वहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट में एक वो है, क्या बोलते हैं उसे, डायमंड है। अब वो डायमंड पे हम जंप करके तो पहुंच नहीं सकते, तो यहाँ पे हम बाउंस करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था और वो बबल पे, तो बिल्कुल सेम इधर भी करेंगे और फिर हम यहाँ पे, और शायद ये मरता भी नहीं है, हम अच्छा नहीं मरता है। और ये हेल्थ हमें मिल गई, ये हेल्थ फुल करने वाला हमें मिल गया, तो बढ़िया है ये भी। तो ये सब है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कुछ तो नहीं, यहाँ भी कुछ। तो ये भी बिल्कुल उसी टाइप का गेम है कि मतलब सीक्रेट लैंग्वेज और वो सब कुछ सब ढूंढने वाला है। और इसमें भी अगर हम मरते हैं तो फिर हमको उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा इससे पहले कि हमारा सब सामान गायब हो जाए। ठीक है, तो हम एक और चेक पॉइंट पर आ गए हैं। ये एस दबा के जंप करना, बाउंस करना बहुत अच्छा है, ये बहुत टाइम भी बचाता है और फिर आसान भी है बहुत। अब कुछ लोग ये इस टाइप के गेम्स इसलिए नहीं खेलते क्योंकि वो बोलते हैं कि इसके ग्राफिक्स ऐसे नहीं है। तो यार मेरे भाई देखो, ऐसा नहीं है कि ग्राफिक्स ही सब कुछ है, और फिर ये उन लोगों ने इंटेंशनली ऐसे बनाया है, ये कोई गलती से बन गया है या फिर उनके पास पैसे की कमी थी, ऐसा नहीं है। ये एक मतलब बहुत ये टेरिस्ट है ये आर्ट स्टाइल, और फिर ये मतलब कोई गलती से नहीं हुआ, तो इससे अगर तुम गलती समझ रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है, है जो भी हो। तो फिर और ठीक है, अब हम आ गए हैं ऊपर, और फिर ये देखो ये अलग ही दिखते हैं कौन से जगह पे, मतलब ऐसे खोलने के लिए कुछ होगा उनमें, ऐसा थोड़ा सा टेक्सचर में डिफरेंस होता है वहाँ पे, और फिर वो जगह खुल जाती है। अरे यार यहाँ कुछ था, अपन यहाँ पे जाने का तरीका बिल्कुल तो तुम लोग को ये गेम आसान लग रहा होगा, और है भी ऐसे नहीं, है भी गेम आसान, कोई बहुत टफ नहीं।
ये हमको पसंद है। कोई बहुत बड़ी टॉप नहीं है गेम। अगर कोई भी गेम अगर तुमको बस एक बार कंट्रोल्स अच्छे से संभलने आ गए तो फिर बस फिर गेम का मतलब हो गया। मैं बहुत सोचता हूँ कि काश मैं मारियो खेल पाता भी किसी को, मुझे बहुत मन होगा मगर मुझे कोई सोर्स नहीं मिल रहा है खेलने का, कोई तरीका नहीं मिल रहा है तो फिर मैं वो खेल नहीं पा रहा हूँ। अब इसमें है ना बहुत बड़ा एक वो है दिक्कत हाँ कि अगर मतलब जो ड्रैगन का वो है तुम उसके सर पे सिर्फ मार सकते हो ठीक है ना, मतलब अगर तुम सर पे कर रहे हो बाउंस और फिर जब वो बाउंस कर रहा है और फिर उसी समय अगर वो ऐसी किसी खाई वाई के ऊपर हुआ तो फिर तुम अंदर भी गिर जाओगे, तो वो थोड़ा संभल करना पड़ता है। आगे चल के ये गेम में बहुत मजा आती है और थोड़े से कभी कभी आसान गेम भी सबको ही अच्छे लगते हैं, ऐसे नहीं है जनरली थोड़ी है कि गेम में मज़े करने के लिए तुमको ऐसे बहुत ही भयंकर ऐसे बैंड बजानी पड़ेगी अपनी तो ही मज़ा आएगा ऐसा कुछ। वो स्लाइम वाले घूम रहे थे नीचे मुझे लगा है और ऐसे नहीं होंगे तो पता है लोग तो ये गेम का स्पीड रन करते हैं, ये स्पीड रन के लिए बहुत अच्छा गेम है क्योंकि इसी टाइप से गेम से तो होता है यार स्पीड रन। तुम लोग कभी ना वो देखना डार्क सोल्स का स्पीड रन, उसमें क्या होता है कि इतने ग्लिच इस्तेमाल होते हैं वो ना ऐसे लगातार वैसे गुलाटी मार्केट दे जाएगा और फिर एकदम से पता नहीं कहाँ से कहाँ। तो मैंने एक देखा था वो डार्क सोल्स 2, मतलब यार डार्क सोल्स सीरीज सारी मुश्किल है मगर डार्क सोल्स 2 मैं कहते हैं कि थोड़ी ज़्यादा ही ठीक है। तो डार्क सोल्स 2 उसने पूरा 14 मिनट्स में किया है कंप्लीट। अरे देखो अब यहाँ आ गए हैं हम, ये कोई बॉस बैटल है लगता है कि फर्स्ट लेवल ख़त्म हो गई है। अनयूड शोड योर फेस सूनर और लेटर दी क्रिलिन कावर्ड Turn back, Shovel Knight. There's nothing here for you anymore. Stand aside, Black Knight. I have no quarrel with you. I must return to the Tower of Fate. तो वही उसे Tower of Fate पे जाना पड़ी जाने नहीं दे रहा है और फिर बोल रहा है कि तुम बेवकूफ़ हो गए हो। This entire valley has been conquered by the Enchantress. Enchantress है शायद main villain हुई and her invincible knights of the Order of No Quarter stand between you and the tower. But none of that matters because even after the Enchantress has to go through me. तो भाई ठीक है देखो लड़ना है लड़ ठीक है। तो इन सबके पास यार मूव कितने हो गए थोड़ा सा मुझे बहुत सीखने की है जरूरत है। उसकी लाइफ हो गई है आधी हमारी लाइफ की बची है हमारी टीम बची है पहले उसकी सिर्फ एक बची है और हमारी दो बची है हमको दो और पड़े और अपन गए एक और पड़ा और अपन गए बस बढ़ गया भाई। फीट अकॉम्प्लिश आई एम अलाइव अपना सिर्फ एक बचा था मतलब तुम अगर ये लाइफ का अगर मतलब समझे नहीं हो इसमें तो फिर ऐसा है कि जो चारों पर जो दिख रहे हैं वो हर दो हिट में एक ख़त्म होता है यानी कि टोटल हम 8 हिट एक बार में सह सकते हैं। तो यार ये है शवल नाइट एक बहुत ही स्वीट सा गेम है बहुत ही सिंपल सा गेम है और बहुत ही अल्टीमेट है और ऊपर से लगता है अब उसकी जो लव इंटरेस्ट है वो आ रही है और फिर हमें उसे करना है कैच और हमने कर लिया। तो यही है तो फिर तो इसी टाइप से हम शवल नाइट और खेलेंगे और फिर अगर तुम्हें शवल नाइट पसंद आ रहा है अगर तुम्हें शवल नाइट अच्छा लगा तो फिर तुम इस पर कमेंट कर सकते हो हम साथ में खेलेंगे और फिर हम इसमें और आगे बढ़ेंगे साथ में और तुम मुझे बता सकते हो कि मतलब कैसा लग रहा है अच्छा है बुरा है और मतलब मुझे तो अच्छा लगता है और मैं तुम्हारे भी व्यूज़ सुनना चाहूँगा। तो फिर
इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो मुझे बड़ी हेल्प होगी। और अगर ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आए तो फिर तुम इसे लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।